फ्रूट एंड वेजिटेबल एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अगर आप दुबई में या दुनिया के किसी और सुपरमार्केट्स में देखें, एक ही ट्रे में 16 किस्म के एक ही फ्रूट के वैरायटी रखी होती है। दिस इज शाजना हुसैन, आई एम डायरेक्टर ऑफ आरएमसी ग्रुप। वी आर बेसिकली इम्पोर्टर, एक्सपोर्टर एंड प्रोसेसर ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। मैं काफ़ी अर्से से इस बिजनेस को लुक आफ्टर कर रही हूँ, एक्चुअली 2017 से। ज़्यादातर हम जो एक्सपोर्ट्स हैं हमारी वो है यूरोपियन साइड पे, फार ईस्ट में, मिडिल ईस्ट में, कनाडा में, हांगकॉन्ग में, बांग्लादेश में। प्रीमियम मार्केट ऑफ कोर्स यूरोपियन साइड है। ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज में मेरे पास जो है वो सुपर मार्केट्स हैं, और यूजुअली जो हम यूरोपियन मार्केट्स हैं उनमें हम मैंगोज एंड फ्रेश वेजिटेबल्स जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा मैंड्रिन में मिडिल ईस्ट है और फार ईस्ट है, मलेशिया, सिंगापुर, रशिया और अदर कंट्रीज। देखिए, कोल्ड स्टोरेज का कॉन्सेप्ट हर फ्रूट एंड वेजिटेबल है। आपके फार्मर और ग्रोअर को नुकसान क्यों होता? एक टाइम है चीज के प्रोडक्शन का, ठीक है, एक टाइम है उसकी हार्वेस्टिंग, ठीक है। अगर उस हार्वेस्टिंग पे आप सम टाइम आपकी लोकल मार्केट उतना कंज्यूम नहीं कर पाते, फिर क्या होता है, वो वेस्ट हो जाता है। और हमारे यहाँ पहले वेस्टेज बहुत ज़्यादा था, क्योंकि लोग खा नहीं रहे, तो बेचारे ग्रोअर को रोड पे फेंकना पड़ता था, उसको फेंकने के पैसे भी देने पड़ते। अगर कोल्ड स्टोरेज है तो उसको पता है कि अगर वो उस कोल्ड स्टोरेज में रख देगा तो 3 months इस बनाना के, तो आप ये बताएं कि आप कितना उस इंडस्ट्री को सेव कर रहे हैं। और जब बनाना की हार्वेस्टिंग कम होती है, या जब जिस पीरियड पे वो नहीं हार्वेस्ट हो रहा, जिस विंटर टाइम पर वो नहीं मौजूद है, तो वो कोल्ड स्टोरेज से आके मार्केट में आ रहा है। मुझे लगता है कि आईटीसी ने इस सिलसिले में बहुत अच्छी कावज की है। इसने बहुत सारे ग्रोअर्स और फार्मर्स को जो है वो कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज लगा कर दी है, ताकि ये जो इंडस्ट्री है ये जो है वो फ्लरिश कर सके। और ज़रूरी है कि ये जो कोल्ड स्टोरेज हैं ये बेसिकली फार्म हाउस में लगाए जाएँ, क्योंकि वहीं पर वो चीज़ स्टोर कर ली जाए, ताकि जो है उसकी वेस्टेज जो है मज़ीद कम हो सके।